स्वागत है आप सबका स्वयं इंजीनियर्स में। आज बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आई है CSIR की ओर से। बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है, डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज है, तो पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट इंटरव्यू पर सिलेक्शन होने वाला है। हालांकि जो हमारी जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलने वाली है डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों कैंडिडेट के लिए। तो पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, आपको किस तरह से अप्लाई करना रहेगा और आप कब तक अप्लाई कर सकोगे, तो लास्ट तक बने ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप सब मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे। और इस अपडेट अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की ओर से प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आई है। हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो टेम्पररी बेसिस पे है। यहीं आपको सब कुछ दे दिया गया कि आपका कब इंटरव्यू होगा, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो हमारी पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1 की, उसकी जो नंबर ऑफ पोजीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी 43 रहेगी और उसका जो स्टाइपन रहेगा वो 20,000 पर मंथ रहेगा। ये जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1 की जो पोस्ट रहने वाली है वो डिप्लोमा इंजीनियर्स के रहने वाली है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी वो 43 रहेगी। इसमें 15 वैकेंसी है जिसमें बीएससी और बीएससी इन जियोलॉजी मांगा हुआ है, और 15 वैकेंसी है 3 इयर्स इन बीएससी इन बीएससी इन केमिस्ट्री मांगा हुआ है। उसके अलावा की बात करें तो हमारे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 रहेगी। डिप्लोमा इन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसी 2 रहेगी। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसी 2 रहेगी एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसी 2 रहेगी। और बीएससी के लिए भी वैकेंसी है, जिसने फिजिक्स से किया है उसकी टोटल वैकेंसी 2 रहेगी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। अब नंबर ऑफ पोजिशन की बात करें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए, तो टोटल नंबर जो वैकेंसी वो 12 रहने वाली है। आपका स्टाइपन 25,000 पर मंथ रहेगा। और जिन लोगों ने गेट और CSIR UGC नेट क्वालिफाई किए उन लोगों का जो स्टाइपन 31,000 पर मंथ रहेगा। आपके पास गेट का स्कोर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी सैलरी में डिफरेंस रहेगा, दैट्स इट। बीटेक इन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर की टोटल नंबर पोस्ट 2 रहेगी। केमिकल इंजीनियर में आपने बीईपीटेक किया तो उसकी टोटल नंबर पोस्ट 2 रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर से आपने बीईपीटेक किया तो टोटल नंबर वैकेंसी 2 रहेगी। और एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी 1 रहेगी। और MCA के लिए टोटल वैकेंसी 1 रहेगी। कौन सी डेट हमारा इंटरव्यू होगा तो उसकी पूरी जानकारी इधर दे दी गई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की। तो उनका जो डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगा वो 12 नवंबर 2021 को रहेगा, जिसमें एमएससी टेक इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी आ जाएगा। अब बात करें 13/11/2021 को, तो उसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू रहेगा, उसमें बीएससी इन जियोलॉजी आ जाएगा। 15/11/2020 बात करें तो उसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 जिसमें एमएससी इन टेक इन केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री में आ जाएगा। और 18/11/2020 की बात करें प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, जिसमें बीएससी इन केमिस्ट्री में आ जाएगा। और 11/20 की बात करें 2021 में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू रहेगा 12/11 को, उसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर का आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे इंजीनियर के बारे में, तो उसमें 22/11/2021 को प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की जो पोस्ट है उसमें जो डिप्लोमा इन बीटेक इन केमिकल इंजीनियर का है उसका इंटरव्यू 22 नवंबर को होगा। 23 नवंबर में प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की जो पोस्ट है जिसमें बीएससी एंड डिप्लोमा बीएससी इन फिजिक्स वाला एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 23 नवंबर को उसका इंटरव्यू होगा। 24 नवंबर में प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट एसोसिएट 1 का इंटरव्यू होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ जाएगा। और बी डिप्लोमा इन बीबीटेक इन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर का एंड बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी का 24 नवंबर को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के रिलेटेड और भी डिटेल चाहिए तो आप www.cimfr.nic.in वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आपका जो भी सिलेक्शन बेस होने वाला है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपके साथ लेके जाना, ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आपको हार्ड कॉपी जो एप्लीकेशन फॉर्म की है वो आपको निकालनी रहेगी, उसमें आपको अच्छे से फिलअप करना रहेगा, जिसमें आप जो भी आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर प्रॉपर मैनर में आपको फिल करना रहेगा, उसकी डेट, नेम ऑफ कैंडिडेट और आपकी सारी एसेंशियल डिटेल आपको फिलअप करनी रहेगी हार्ड कॉपी के एप्लीकेशन फॉर्म में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जब भी
आप इंटरव्यू देने चाहो तो आप सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट इधर मेंशन किए हैं वो आपके साथ लेके जाना रहेगा, क्योंकि जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तभी आपके पास इनमें से सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है और आपके इंटरव्यू रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और इन सारे डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपीज भी अटैच करनी रहेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और इधर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो हमारा वे ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारा इंटरव्यू में रहेगा वो हिंदी में हो सकता है, इसलिए आप हिंदी में भी अपना इंटरव्यू देना चाहो तो आप दे सकते हो। तो वो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ दे दी गई है कि आपको कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको इंटरव्यू देना रहेगा। आपका इंटरव्यू का जो भी प्लेस है वहाँ पे आपको 11:30 तक आपको रिपोर्टिंग कर देना रहेगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसमें आपको जो भी एसेंशियल डिटेल है वो आपको फिलअप करनी रहेगी। आपका जो इंटरव्यू रहने वाला है वो झारखंड धनबाद में रहने वाला है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे। इस अपडेट अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।